बार झंडा जितलाल जी का। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा तब लगेगा जिस अपेक्षा के अनुसार जनता हमें इस सदन में भेजी है, और हम उनके अनुकूल काम करके दिखाएंगे। सदन में उनका बात जोरदार ढंग से उठाएंगे और सफलतापूर्वक उनको कार्य को हम निष्पादन करेंगे। आपने अभी किसी को प्रणाम किया, उसके बाद अंदर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये देखिए, हमारे हिंदुस्तान में चार ऐसा सीढ़ियाँ हैं जिसे पूरे हिंदुस्तान को अपने आप में समेट करके एक दूसरे को शिक्षा भी देता है, दीक्षा भी देता है, चलने के रास्ता भी दिखाता है, जीने का तरीका भी देता है, और हक भी लेने और देने के लिए सिखाता है। उसी में से एक हमारा विधानसभा भी है, और विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा एक ऐसा मंदिर है जो हर पुजारी यहाँ पे आते हैं और को कुछ न कुछ मांगते हैं और मांग करके ही यहाँ से जाते हैं, और जब लेकर जाते हैं तो जनता को समर्पित करते हैं। जब जनता को समर्पित करते हैं उसी के अनुकूल आगे उनको आशीर्वाद दिया जाता है। आपको लोग बाहुबली बोलते हैं, दबदबा रहा है आपका खाना। बाहुबली हम पहले भी थे, आज भी हैं, उम्मीद करते हैं जनता हमें बना करके आगे भी रहेगी। जिसके पास जनता का मोहब्बत प्यार है वो बाहुबली था, है, और उम्मीद करते हैं आगे रहेंगे भी। बाहुबली सबसे एतराज नहीं है आपको? कोई एतराज नहीं। बाहुबली का अर्थ कुछ और निकाला जाता है कहीं कहीं, किसी किसी ना व्यक्ति को अपना अपना शब्दकोश का कमी होता है, अर्थ का अनर्थ निकालता है। आपको पता होगा कि एक शब्द का अनेकों अर्थ निकलता है, तो अपने अपने व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जिस रूप में जिनको निकालना हो निकाल सकते हैं, उसे हमें कोई एतराज नहीं है।